नमस्कार, इनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। राजीव कुरैशी जी, हाँ, पिछले कुछ दिनों से आप बीसी न्यूज पे उसकी खबरें देख रहे होंगे। एक महाठग जो पिछले 9 महीने से नागपुर शहर और नागपुर शहर के आजू बाजू में लोगों को एक का डबल करने वाला ठग, जो कई करोड़ों रुपए लेके आज पुलिस की गिरफ्त से पिछले 2 महीने से बाहर है। जी हाँ, आज उसी का कुछ एक नया पहलू हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो उसका एक शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, ऐसे एक शिकार हो चुके व्यक्ति को हम आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आज कुछ कारणवश हम उसका नाम नहीं बता सकते, एक काल्पनिक नाम हम इस पात्र को आज देते हैं, संकेत जी। संकेत जी, आप मुझे बताइए कि आपके साथ जो राजीव कुरैशी है, किस तरह की ठगी की है? लोगों को जो दुगने पैसे की लालच जो देता था, किस तरह की ठगी कर बैठा है? सर, ऐसा है कि कुछ दोस्त भाइयों ने अपने पैसे लगाए डबल करने के लिए, उनके डबल हुए। उससे कैसा है, लालच हमको भी आई डबल करने की। तो पहले मैंने लगाया पैसे, मेरे डबल हुए। मुझे देखते हुए मेरे परिवार ने पैसे लगाए, मेरे दोस्त भाइयों ने पैसे लगाए, कुल मिला के 50-60 लाख रुपए का अमाउंट लगाए सबका मिला के। किसी ने 20,000 लगाया, किसी ने 30,000 लगाया, किसी ने 50,000 लगाया। ऐसे कुल मिला के 50-60 लाख रुपए का अमाउंट होता है, नहीं क्या? और आज तक के अपने को वो जब से फरार है आश्वासन ही दे रहा है कि आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, 8 दिन में भेजता हूँ। 2 महीने का जमाना हो गया है, लेकिन उसने अपने को आज तक के 1 रुपये नहीं भेजे। जिसका भी पब्लिक का देना लेना था, वो अपन ने अपने घर से कुछ बकाया उधारी करके, कुछ बेच के लोगों का कुछ पैसा दिए है, और भी कुछ पैसा बाकी है उनका। ये जो ठगी थी, ये कितने महीनों से यहाँ पे चल रही है? ये 7 महीने से ठगी कर रहा था, 7 महीने से डबल करके लोगों को हर दिन दे रहा था। ये लोगों, ये आपको कैसे मिला, ये जो राजीव कुरैशी है कौन और कहाँ से आया था नागपुर शहर में? ये बालाघाट से आके ताजाबाद में 2 साल से रह रहा था, और मेरे कुछ दोस्तों के माध्यम से ये मुझे मिला। मेरे कुछ दोस्तों का दोस्त था ये, उनके साथ में रहता घूमता फिरता था। पहले उन्होंने डबल करे, फिर मुझे डबल किए। मतलब किस तरह से आपको इस पे भरोसा आया? ऐसे कौन सी लालच जो देता था जिससे आपको उस पर भरोसा आया? चीजें मुझे समझ में नहीं आई पहले, क्योंकि मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ। ट्रेडिंग बताता था मुझे, फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करता हूँ करके, इस पे डबल होता है, यूएसए ट्रेडिंग करता हूँ, नहीं हर महीने डबल देता हूँ लोगों को करके, ऐसा बताता था मुझे। और देता था ये पैसे? ये 6 महीने तक के हर इंसान को दिया पैसे इसने। कितने 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 पैसे उसने वापस किया आज तक? जितना लोग लगाते थे उसका डबल देता था, लेकिन लालच में लोग वही पैसे को पलटी कर देते थे। अच्छा, रिटर्न वापस नहीं देते थे? रिटर्न थोड़े बहुत जैसे भी लगे, जैसे 1 लाख डाले। आपको उसने कब तक, कब कब, कितने कितने पैसे दिए और आपको वापस कितने पैसे मिले आज तक उसकी तरफ से? तक के अपने जैसा अपन ने खुद ने भी पैसे लगाए, मेरे परिवार ने भी पैसे लगाए, जैसे 2-3 महीने से पैसे लगा रहे थे। अब वैसा 1 महीने में डबल हुआ तो इंसान की कैसी लालच बढ़ते जाती है। 1 लाख के 2 लाख हुए तो वो 20,000, 25,000, 50,000 लेता था और बाकी पलटी करता था। और उसका भरोसा बैठने के बाद में फिर भी कुछ भी बेच बाच के अपने परिवार के, अपने दोस्त भाई के भी पैसे लगाता था। हर इंसान एकमेक से जुड़ के एकमेक के थ्रू पैसे लगाए। अच्छा, तकरीबन मुझे ये बताइए, इसके कोई एजेंट होते थे? जिस तरह से बात सामने आ रही थी, कई एजेंट के नाम सामने आ रहे थे, तो ऐसे कोई एजेंट होते थे इसके? हाँ, एजेंट है ना, इनमें 2-4 एजेंट है इसके ताजाबाद में। फहीम भाई जैसे है, दिलीप भाई जैसे है, अप्पू भाई जैसे है, ऐसे एजेंटों के थ्रू से, इनके माध्यम से ये मुझे मिला और मैंने भी इनके जरिए पैसे लगाया। अजी, एजेंटों को आपको क्या पता है कि एजेंटों को कुछ कमीशन मिलता था, क्या मिलता था? जिस तरह अंदरूनी उनको क्या देता था, कमीशन देता था, लालच देता था, वो अंदरूनी पता नहीं अपने को क्या देता था उनको, मगर वो लालच देता था, कार खरीद के दूंगा, बंगला खरीद के दूंगा, घर मकान दूंगा, ऐसी लालच देता था एजेंटों को। जी, आपको राजीव कुरैशी पहली बार कब मिला और कहाँ मिला और कैसे मिला, किस तरह से मिला आपको और किस तरह से उसने आपको लालच दी? उसने डायरेक्ट आपसे पैसे लिए कि किसी एजेंट के थ्रू? डायरेक्ट तो पैसे नहीं दिया मुझे, मैंने उसे, मुझे अपने दोस्त भाई के माध्यम से मिला। वो दोस्त भाइयों के बीच में बैठता था और बातें चलती थी, जैसा मैं भी वहां पहुंचा तो उनके बीच में बैठे रहता था। वो दोस्त भाइयों ने भी मुझे बताया कि ऐसी बात है कि एक का डबल होता है। और ये जो पैसे है तो टोटली ये कैश में दिए जाते थे या ये पैसे जो आप देते थे उसे कि कैश देते थे या ऑनलाइन देते थे? किस तरह से? दोनों तरीके से, कैश भी देते थे और ऑनलाइन भी पैसे देते थे। अच्छा, कभी आपको उसने, आपने जो पहले पैसे लगाए उसके पैसे रिटर्न कभी किए?
या किसी के किए? हाँ किए हैं, पहले पहले किए हैं सबके रिटर्न जैसे, मगर लोग लालच में आके वही पैसे फिर से रिटर्न उसी को दे देते थे डबल करने के लिए। हाँ इसका खुलासा कब हुआ आपको, कब लगा ऐसे कि ये फ्रॉड है और अब तक पैसे नहीं दे, आगे पैसे नहीं दे पाएगा? जब से ये फरार है सर, तो इसने अपने को आश्वासन ही दिया है क्या हो जाएगा, पैसा पहुंच जाएगा पब्लिक का, पब्लिक को आपका, आपको पहुंच जाएगा, तो आश्वासन ही दे रहा है ये हमको दो महीने से जी। इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया। आखिरी बार आपका, आखिरी बार आप उससे कब मिले थे? आखिरी बार मैं उससे मिला था जब पुलिस केस हुआ, जब ये फरार हुआ तो आखिरी समय जब मिला था उससे मैं। फरार होने के पहले? बाद फरार होने के पहले, पहले ओके। उसके बाद उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद भी आजकल उसके कुछ वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप बाहर आ रहे हैं जो फोन कॉल में वो सबको बताया जा रहा है जी। कि मैंने कुछ एजेंटों को पैसे वापस कर दिए, कुछ एजेंटों को पैसे देने हैं, जो बड़ी बड़ी बातें वो फोन पे करता हुआ है, हिंदुस्तान का मैं राजा हूँ इस तरह का, इसके बारे में आपका क्या कहना? सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है, सारी चीजें झूठ बोल रहा है कि मैंने पैसा पहुंचाया हूँ या पैसा किया। पैसा जब पहुंचता है तो पब्लिक के पास में पहुंचा क्यों नहीं पैसा? जब तूने पहुंचाया है पैसा तो पब्लिक के पास भी पैसा पहुंचना चाहिए ना। जब तेरा पैसा पहुंचाया ही नहीं तो पब्लिक के पास में जाएगा कहां से पैसा? एजेंटों को पैसा ही नहीं आया है। तकरीबन कितने एजेंट आपके नजरों में है कि ये एजेंट थे और उनको लोगों ने पैसा लगाया था, तकरीबन कितने अमाउंट का पैसा लगा होगा आपके? 5 से 6 एजेंट चल रहे थे ताजाबाद में, तो उनके जरिए पैसा लग रहा था, यही कोई होंगे पूरे एजेंटों के मिला के। अगर ठगी किया होगा राजीव कुरेशी ने, तकरीबन 50 करोड़ रुपए की ठगी किया होगा। उसके अभी भी आपको फोन कॉल वगैरह आते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं आ रहे। आप अगर कांटेक्ट कर रहे हो तो कांटेक्ट लाइन बता रहा मुझे। मैं आखिरी बार आपकी फोन पे बात कब हुई थी उससे? आखिरी बार मुझे 10-12 दिन पहले बातचीत हुई थी, तो 10-12 दिन पहले मेरी उसकी तू मैं हो गई है, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन ही दे रहा था। अब पब्लिक कोई मान रही नहीं, जिन्होंने पैसा लगाया, मेरे दोस्त भाई जो थे रिश्तेदार थे, कल तक के मेरे भाई रिश्तेदार थे, आज मेरे दुश्मन बन गए वही पैसों के लिए, ये राजीव कुरेशी के वजह से। तो अब आज के कंडीशन में आपके जो 60-70 लाख रुपए लगे हुए हैं जी, आपको क्या लगता है? तो इसकी कोई कभी आपने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, हमको ये डर लगा कि पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो ये मुझे पैसे नहीं देगा जी, यही सर यही चक्कर में। आपको आज भी, आपको और ताजबाग या फिर नागपुर शहर की जनता को क्या आज भी लगता है कि वो पैसे डबल मिलेंगे आपको? डबल हो वो आश्वासन दे रहा है, सभी जितने भी एजेंट है उनको आश्वासन देता है कि मैं सारे पैसे लौटा दूंगा अब भी। हाँ अब भी वो आश्वासन दे रहा है कि मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अभी ताजा ताजा में काफी वीडियो क्लिप्स और उसके ऑडियो क्लिप्स बीसीएन के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाई, उसमें बार बार वो सबको खरीदने की बातें करता है, बार बार बोलता है कि मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। तो आज भी वो किसी के करेक्ट में हो ऐसा आपको लगता है? ताजबाग के लोगों को आज भी, ताजबाग हो या पूरे नागपुर शहर के लोगों को आज भी वो कनेक्ट करता है? करता हूँ, लेकिन 8 दिन से अभी किसी के ऑफलाइन ही नहीं देखा मैंने। इसके पहले 8 दिन पहले हर किसी से जिससे उसका कॉन्टेक्ट नहीं है उससे भी बातचीत करता था। कौन सी तारीख थी आप दर्शकों को बता पाएंगे कि कौन सी तारीख थी जिस वक्त आपने उससे आखिरी बार बात की थी? ये शुक्रवार जाके पिछले शुक्रवार को बातचीत किया था मैं, तकरीबन 10-12 तारीख हो सकती है। हाँ। उस वक्त उसने, उसका कहना क्या था? वो क्या नशा करके था जब बात कर रहा था या फिर होश में बात कर रहा था? नहीं नहीं होश में बात कर रहा था, नशा करके तो नशा भी करता होगा उसका पता नहीं मुझे, लेकिन वो होश में बातचीत कर रहा था कि मैं आपका सब में पहले हिसाब कर दूंगा, आपको 2 दिन में पेमेंट पहुंच जाएगा। आज 12 दिन हो गए, 12 से 13 दिन हो गए, लेकिन मुझे कोई उसका पैसा भी नहीं आया और ना रिटर्न उसका कॉल आया। जिस तरह से आपने बताया कि वो ट्रेडिंग में पैसे लगाता था, ऐसे आप लोगों को सारे एजेंटों को आश्वासन देता था जी, तो ये क्या सही में ट्रेडिंग में लगाता था, क्या लगाता था, इस बारे में क्या प्रूफ देता था वो लोगों को, किस तरह से लोगों को बहलाता था? वो हमें बताता था कि मैं फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करता हूँ जी, फॉरेक्स पे यूएसए ट्रेडिंग करता हूँ, करेंसी से करेंसी की ट्रेडिंग करता हूँ। हम लोग कैसा है सर, 5वीं 6वीं पढ़े हुए हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, और भी लोगों ने भरोसा करे तो मैं भी भरोसा कर लिया। हाँ ठीक है भैया, फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, यूएसए डॉलर की ट्रेडिंग है, तो होता होगा इसमें ऐसा करके। वैसे ही मैंने भी पैसा लगाया अपना ट्रेडिंग में। कुछ बात ये भी सामने आई थी कुछ दिनों पहले, लोगों की चर्चाएं चालू थी
कि वो अपने एजेंटों को गाड़ियां गिफ्ट करता था, गाड़ियां गिफ्ट करने की बातें करता था, और ये भी सुनने में आया है कि वो अपने एजेंटों को के लिए गाड़ियां बुक भी कराई थी किसी कंपनी। जी हाँ, सही बात है, ये हकीकत है। तीन एजेंटों को तो मेरे सामने गाड़ी खरीद के दी है, एक दिलीप भाई है, एक फहीम भाई है, और एक अप्पू भाई है। मेरे सामने तीनों को शोरूम गाड़ी खरीद के दिए, मुझे भी लालच दे रहा था आपको भी कार दूंगा। मेरे माध्यम से जो पैसे लगा रहे थे, मैंने ना कभी उसका कमीशन मांगा, ना कभी कुछ मांगा। जिन्होंने मेरे से पैसे लगाए उनसे भी नहीं मांगा, और इससे भी नहीं मांगा, राजीव कुरेशी से भी कमीशन नहीं मांगा। ये भी मुझे कार का लालच दे रहा था कि आपको कार दे दूंगा, घर दे दूंगा। मैंने उसके हाथ जोड़ के बात किया, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो है मुझे वही चाहिए। तो ये कार आज भी उनके पास है? जी नहीं, आज नहीं दिख पड़ रही उनके पास में कार शायद। जी, फिर बाद में आपके कभी इनके एजेंटों से कांटेक्ट हो रहे हैं? जब से ये अरेस्ट हुए और अरेस्ट होके छूटे, फहीम दिलीप जैसे और भी लोग है, ये मुझे मेरे कांटेक्ट में नहीं है, ना इनसे मेरी बात हो पा रही है। जी हाँ, राजीव कुरेशी जो वो महाठग लोगों को लालसा देता था, अपने एजेंटों को गाड़ियां और कार की लालच देता था, और गाड़ियां दी भी उसने, और कई करोड़ों लोगों के पैसे ठग के वो आज फरार हुआ है। कुछ पिछले जैसे हमारे जी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों पहले, दो हफ्ते पहले उनका आखिरी बार उनसे संभाषण हुआ था, उसके बाद उन्होंने अब तक उनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया है, अभी भी उनके नंबर बंद दिखा रहे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब लास्ट बार आपको, जब आखिरी बार वो मिले थे, उसके बाद आपने उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की? मिलने की तो बहुत कोशिश की, जितने भी बार मेरे कॉल पे बात हुई तो मैंने एक ही बात करा कि मेरे से जहां भी हूँ आपका लोकेशन है, मुझे आप बुलाइए, मैं आपसे मिलने आता हूँ। लेकिन मुझे उसने आश्वासन ही दिया कि दो दिन बाद, चार दिन बाद, आठ दिन बाद मैं बुलाता हूँ आपको मिलने के लिए, आपका हिसाब किताब क्या है वो क्लियर करता हूँ। बस बोलते गया, किया कुछ नहीं। जी, और इसके बाद कभी कभी ये लगा आपको कि वो अपने नागपुर शहर में है, या किसी से नागपुर शहर में मिला फरारी के बाद? मुझे एक दो बार खबर भी आई थी कि नागपुर शहर में घूम रहा है करके। और जब वो फरारी नहीं था तब वो नागपुर में कहाँ रहता था? जब वो फरार नहीं था तो वर्धा रोड पे होटलों में रहता था, वो एक से दूसरी होटल बदलता था, होटलों में रहता था वर्धा रोड पे। तो कभी आपने या आपके साथीदार, आपके फैमिली वालों ने जो जिनके पैसे फंसे, इन्होंने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की पुलिस स्टेशन? उनको डर है सर कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो ये हमारे पैसे नहीं लौटाएंगे। तो अब भी भरोसा है आप लोगों को कि वो राजीव कुरेशी जो महाठग है वो आपके पैसे लौटाएगा? नहीं सर, अब भरोसा टूट गया है, क्योंकि समय इतना बीतते चले जा रहा है, दो महीने का समय हो गया, दो महीने के ऊपर हो गए, अब भरोसा टूटते जा रहा है। भरोसा टूट गया भरोसा कि अब ये पैसे शायद ही देंगे हमें वापस। जिस तरह से आपने कहा था कि कुछ एजेंटों को उसने गाड़ी गिफ्ट की थी, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है कि वो गाड़ी कैश की ही थी या किसी के नाम से फाइनेंस हुई थी? हाँ, ये सुना था मैं सर, ये सारी गाड़ियां जो लिया है सारे नकदी में लिया था, कैश में, ऑन कैश में गाड़ी लिया था उसने जी। सारे चीजों को तकरीबन कितने लाखों की गाड़ी वो होंगी या किस कंपनी की थी इस बारे में, और अब वो गाड़ियां कहाँ है? सब मैं पहले दिलीप भाई को गाड़ी खरीद के दिया था, रेनॉल्ट की कॉर्वेट जी, वो तकरीबन 6.5 लाख रुपए की थी, तो वो गाड़ी का तो पता नहीं है। वो दिलीप भाई एजेंट बोलता है कि वो गाड़ी बेच के मैंने पब्लिक को पैसा दिया हूँ। दूसरे नंबर फहीम को गाड़ी लेके दिया था, वो गाड़ी राजीव के पास है, उसने कहाँ छुपा के रखी है, कहाँ रखा, वो राजीव के पास है गाड़ी जी। तीसरी गाड़ी अफरोज खान को दी थी, वो भी उनके एजेंट है अफरोज खान, तो वो गाड़ी तो हरिद्वार में पकड़ी गई शायद उनके साथ में। अरे एक गाड़ी राजीव के पास में थी अलकेजर, तो वो शायद बालाघाट थाने में जमा है। ये सारी कैश की गाड़ियां है, कैश में खरीदी हुई गाड़ियां थी। डॉक्यूमेंट्स गाड़िया के, दिलीप के जो गाड़ी थी वो दिलीप भाई के डॉक्यूमेंट्स लगे थे शायद, फहीम की गाड़ी पे राजीव के अब्बा के डॉक्यूमेंट्स लगे थे, और अफरोज खान की गाड़ी के अफरोज खान के डॉक्यूमेंट्स लगे थे शायद। जी हाँ, जिस तरह से आपने बताया कि हरिद्वार में एक गाड़ी जब पकड़ी गई थी जी, वहां के कुछ किस्से, कुछ कहानियां बहुत आगे आई थी। हरिद्वार में जो गाड़ी पकड़ी गई थी, एक एजेंट की पकड़ी गई थी, उसके साथ साथ राजीव कुरेशी भी उस गाड़ियों के पीछे था।
और हरिद्वार में 11 लाख रुपए कैश नकदी उस गाड़ी से पकड़े गए थे, ऐसी जानकारी आई थी। और उसके बाद उसके पीछे ही 2 से 3 इनके एजेंट, जो चाहे फहीम हो या राजिक हो, उनके पीछे थे, ऐसा बताया जाता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, साथ ही में थे सर, वो आगे पीछे थे, कुछ लोग आगे थे कुछ लोग पीछे थे, तो नाकाबंदी में ये लोग पकड़े गए। पकड़े गए तो इनको इन्फॉर्मेशन आ गई है राजीव कुरेशी को कि एक नाकाबंदी में गाड़ी पकड़ी गई, कैश पकड़ी गई, तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, वहीं से रिटर्न हो गया, आगे नहीं बढ़ा, वहां से रिटर्न हो गया। आपके तौर से मूल रकम कितनी जो थी, जो उसके पास दी थी डबल करने के लिए, जो आपको अब तक नहीं मिली है, आपके और आपके पूरे परिवार की, जो आपके थ्रू दी गई थी? मेरे थ्रू दिए गए थे सर, कम से कम 70 लाख रुपए दिए होंगे। मेरे पीछे भी कम से कम 50 लोग, 100 लोगों ने, जैसा मेरे परिवार दोस्त भाइयों ने मेरा भरोसा करके। क्या संकेत भाई को डबल पैसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने मेरे भरोसे पे, मेरे माध्यम से, मेरे परिवार ने, मेरे दोस्त भाई ने, उन्होंने भी पैसा लगाया। थोड़ी कर रहे डबल तो राजीव कुरेशी कर रहे नहीं क्या सर? तो मैं भी जैसा पैसे जमा करके राजीव कुरेशी को रोज का रोज पेमेंट वो मांगता था। 4 लोगों के भी पेमेंट आ गया, 10-10, 20-20 हजार, अगर 50 हजार लाख रुपए भी अगर रोज मेरे पास में, समझ लो दोस्त भाई के आए, तो वो मैं फहीम के माध्यम से नहीं राजीव कुरेशी को पहुंचाता था। जो राजीव कुरेशी की जो एजेंट थे, ये अब भी आपस में बातें करते हैं, मिलते हैं क्या, और वो लोगों को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं कि राजीव कुरेशी वापस आएगा? ये लोग कैसा है सर जी, जेल से छूटने के बाद घर में बैठ गए, उसकी कोई खोजबीन और ये नहीं है, बस आश्वासन, इनसे बातचीत कर रहा है और आश्वासन दे रहा है कि तुमको पैसा मिल जाएगा, पब्लिक का भी पैसा मिल जाएगा, महीना भर रुको, 15 दिन रुको, 8 दिन रुको, ऐसा आश्वासन पे वो खुद बैठे हुए है। जितने भी एजेंट है सब आश्वासन पे बैठे हुए कि आज कल में पैसा मिल जाएगा हमें। राजीव कुरेशी जी हाँ, आज भी वो अब पब्लिक के साथ फोन पे बात करके आज भी आश्वासन देता है, कई एजेंटों की बहनों की रिकॉर्डिंग आगे आई थी, आज भी आश्वासन देता है कि उन्होंने पैसे मैंने एजेंटों को दे दिए हैं। मतलब क्या सच्चाई है इसके पीछे की? सारी बातें झूठ है, और जो एजेंट उसके बने हुए थे वो अब उन्हें गुनहगार बनाने के चक्कर में है कि ये एजेंट नशा करते हैं, ये एजेंट उन्हें मैंने पैसा भेजा, ये एजेंट उन्हें पैसा दबा के रख लिए, फालतू शौक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी बातें गलत है। सारे नशे वो खुद करता था, सारे शौक वो खुद करता था, ये सब सारी बातें गलत है कि एजेंट लोग उसके पैसा बर्बाद करेंगे। आज एजेंट लोग इतने परेशान है कि उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए। आज एजेंटों की बात जहां आई है, मगर पब्लिक के नजर में उसने ऐसी छवि डाल दी है फोन पे रिकॉर्डिंग करके, बातचीत करके, क्या एजेंटों को मैं पैसा पहुंचा रहा हूँ और पैसा पहुंचाया हूँ और आगे भी पैसा पहुंचाऊंगा, बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। राजीव कुरेशी जहाँ एक और बोल रहा है कि मैं अपने एजेंटों को पैसे वापस कर रहा हूँ, पैसे कर रहा हूँ, किस तरह से वो पैसे वापस करने की बात कर रहा है? तो बस वापस ही करने की बात कर रहा है, दे नहीं रहा ना, दे नहीं रहा, बस आश्वासन ही दे रहा है कि बस मैं वापस करूंगा, हर किसी का पैसा वापस करूंगा, पांच पैसे की टेंशन मत लो, आप ऐसा करो वैसा करो, बस इसके सिवा कुछ नहीं कर रहा है। जो पैसे आपने और कुछ लोगों ने उन तक दिए, ये क्या टोटली कैश में दिए या कुछ ऑनलाइन में भी दिए? ज्यादा अमाउंट तो कैश में ही है, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑनलाइन भी है, जिसका सबूत अपने पास में है। हाँ। तो आज हम आपको उस ऑनलाइन जो पैसे दिए थे उसकी कुछ स्लिपे हमारे माध्यम से दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, फोन पे पर जो पैसे, जो ट्रांजेक्शन हुआ है राजीव कुरेशी के नाम से, ये आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। जी हाँ, राजीव कुरेशी जो महाठक लोगों के पैसे लेके अब भी फरार है, करोड़ों पैसे लेके पुलिस की घेराव से आज तक पुलिस उसको ढूंढ रही है मगर वो पकड़ नहीं पा रही है, राजीव कुरेशी। जी हाँ, राजीव कुरेशी के बारे में आज हमने आपको कुछ एक पीड़ित से उसकी कहानी हमने बयां की, और आगे भी राजीव कुरेशी के बारे में हम आपको अब बीसीएन के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए इन बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।